बनाने के लिए मैंने दो बीटरूट को अच्छे से पीट करके वॉश कर लिया है। इसे हम रफली चॉप करेंगे और थोड़े से पानी में बॉईल करने के लिए रखेंगे, जिसकी हम 3 सीटियां लेंगे। तो इस तरीके से रफली चॉप करना है। जब तक हमारे प्रेशर कुकर की 3 सीटियां आती है, तब तक मैंने एक पैन लिया, इसमें 1 चम्मच मैंने घी डाला हुआ है। अब घी को गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाती है, थोड़ी सी समय ली है मैंने, इसे रोस्ट करेंगे। तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करके इसे हमें गोल्डन ब्राउन करके लेना है। एक अच्छा कलर आने देना है इसमें। ये देखिए, इसमें एक अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ऊपर से थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे, जिससे हमारी सेवई जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस टाइम पे आप गैस अपना एकदम स्लो कर दीजिए और इसे इस तरीके से स्टर कीजिए। ये देखिए, हमारी सेवई अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है हमें कंडेंस मिल्क। अगर इस टाइम पे आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप क्या कीजिए, इसमें आप थोड़े सा दूध और उसके साथ थोड़ी सी घर की मलाई ऐड कर दीजिए और साथ में शक्कर ऐड कर दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अच्छे से इसे स्टर कीजिए। इसमें कंडेंस मिल्क भी मैं इतना ही ऐड कर रही हूँ जितना हमारी जो सेवई है वो बाइंडिंग के टेक्सचर में आ जाए। बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं करना, नहीं तो हमारी सेवई गीली हो जाएगी। तो ये देखिए, अच्छे से स्टर करेंगे और ये बाइंडिंग के प्रॉपर टेक्सचर में आ चुकी है। अब हम अपना गैस जो है वो टर्न ऑफ कर देंगे और इसमें मैंने लिया है लेमन। तो 3 से 4 ड्रॉप मैं लेमन डालूंगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ सेवई की खट्टी मीठी ग्लास। तो डालने के बाद मिक्स करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे हम इसी तरीके से। अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने ग्लास लिया है और इसके ऊपर एक मैंने प्लास्टिक को उसके शेप के हिसाब से कट किया हुआ है। अगर आपके पास पैचमेंट पेपर है तो भी चलेगा। इस तरीके से इसे अंदर हमें अच्छे से शेप देना है, सेट करना है प्लास्टिक को अपने। उसके बाद हम सेवई का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे और इसे इस तरीके से हम डालेंगे और एक नाइफ की हेल्प से इसे हम नीचे के जो बेस है उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इस तरीके से हम नाइफ से इसे अंदर प्रेस करेंगे और जब हमारा नीचे का जो बेस है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे और साथ में हम इसे साइड में जिस तरीके से मैं प्रेस कर रही हूँ उसी तरीके से प्रेस करते हुए इसे एक प्रॉपर शेप देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हमें करना है और जब इसका एक प्रॉपर शेप आ जाए तो हम नाइफ की हेल्प से फिर से इसे हमें अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि हमारी ग्लास जो है वो एकदम अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में चिल्ड होने के लिए रख देंगे, जिससे हमारी ग्लास अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो सेवई की खट्टी मीठी ग्लास है वो हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हम एक बार चेक कर लेते हैं स्पून से। ये देखिए, बीटरूट एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सारे बीटरूट को हम पानी से बाहर निकाल लेंगे और इसे इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे अपना बीटरूट जो ग्रेट किया हुआ है और इसे अच्छे से गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करके हम स्टेयर करेंगे, जिससे ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ऑब्जर्व हो जाए इस तरीके से। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क अगर आपके पास इस टाइम पे ना हो तो सेम आप इसमें ऐड कीजिए दूध और उसके साथ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए शक्कर और अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर दीजिए। ये देखिए कितना प्रॉपर टेक्सचर आया है। इसी तरीके से हमें इसे स्टेयर करना है गैस का
फ्लेम लो टू मीडियम करके। अब इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ घर की मलाई, ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इससे इसका टेस्ट जो है और ज़्यादा एनहांस होता है। तो ये इसमें हमने ऐड कर दिया, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और साथ में हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद गैस टर्न ऑफ करके इसे हमें ठंडा होने देना है। अब स्मूदी बनाने के लिए इसे हमें बीट करना है, तो हम एक मिक्सी बाउल में डालेंगे अपने मिक्सर को, बीटरूट को। उसके बाद मैंने लिए है ये दो वेनिला आइसक्रीम, जो प्लेन अपनी आती है मार्केट में इजीली मिलती है, वो डालेंगे और इसे अच्छे से एक बार हम इस तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे। और इसे हमें सिर्फ मिक्सी में ट्विस्ट करना है और कुछ नहीं करना, तो एक बार प्रेस कीजिए, ट्विस्ट कीजिए और बंद कीजिए। और इस तरीके से इसकी एक स्मूद हमें स्मूदी बनानी है। और ये पाइपिंग बैग में मैंने ऑलरेडी इसका रिपर डाल के रखा है, इसमें हम मिक्सर पोर करेंगे इस तरीके से, और इसे हम एक घंटे के लिए फ्रिज में चिल्ड होने के लिए रख देंगे, जिससे हमारी स्मूदी जो है वो अच्छी खासी चिल्ड हो जाए। तो इस तरीके से हमें करना है। अब हम हमारे सेवई की खट्टी मीठी ग्लास भी सेट हो चुकी है, तो इस तरीके से आप प्लास्टिक को बाहर निकालिए और इस तरीके से इसके कवर को निकालिए। ये देखिए कितनी सुंदर ग्लास बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही ईजी है बनाना। इस तरीके से हमने बनाया और हमारा जो बीट रूट का हलवा स्मूदी है वो भी बनके तैयार हो चुकी है। और ये छोटे छोटे मैंने बाउल भी रेडी कर दिए हैं इसी तरीके से, तो आप कोई भी शेप कीजिए। अब इसमें हम अपनी बीट रूट स्मूदी जो है उसे फिल करेंगे और इसे सर्व कीजिए। आप बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये डिश कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, मिला ना कुछ आपको एक नया सा डेजर्ट, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद आप इसकी एक फोटो क्लिक कीजिए और अपने सोशल मीडिया के पेज पे अपलोड कीजिए और मैं इसे करूंगी रीपोस्ट अपने पेज पे। सो जरूर मुझे कमेंट कीजिए कि आपको मेरी ये डिश कैसी लगी, और अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।